बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है, बीजेपी जेडीयू से तंग आ गई है, बीजेपी से लड़ना है जो इस देश में एक फासिस्ट ताकत है, फासिस्ट ताकत और उसके साथ जुड़े सभी लोगों से लड़ना। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के सदाकत आश्रम में, जहां आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के मौके पर जो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में वहां पे जयंती मनाया गया। और यहां पे तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, मदन मोहन झा, समीर कुमार सिंह और तमाम जो बड़े नेता थे बिहार कांग्रेस कमेटी के, वो सभी लोगों ने माल्यार्पण किया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, बिहार में चुनाव है तो चुनाव की बात की जाए, तो अभी तक महागठबंधन हो या एनडीए, किसी भी महागठबंधन में सीटों का समीकरण तय नहीं हुआ है। फिलहाल जो है वो कल मदन मोहन झा दिल्ली में उनकी मीटिंग थी, मीटिंग के बाद वो पटना आते हैं और आने के बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा वो भी हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल बता दूं कि जिस तरीके के सीटों के गणित जो बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 57 सीटें, जो जैसा खबरें चल रही थी कि 57 सीटों का ऑफर मिल रहा है, लेकिन हालांकि इन खबरों पर कहीं ना कहीं जो पूर्ण विराम लगता हुआ अब दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उनके बयानबाजी, जिस तरीके से उनकी बातें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को जो सीटें ऑफर की गई है वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पर विचार करेंगे। लेकिन इन सभी पे कांग्रेस जो नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं सारे में बहुत कुछ कह दिया है कि सुर्खियों बने रहने के लिए कुछ भी कोई कह देता है तो उसका ताल्लुक जो है कांग्रेस पार्टी से नहीं है। यानी कि जिस तरीके से बातें आ रही है, कांग्रेस मदन मोहन झा ने कहा कि हमारी अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई ऑफर नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अभी तक जो है सीटों के गणित को लेकर कोई बातचीत जो गठबंधन में हुआ अभी तक नहीं हुआ है। बहरहाल जो माझी जी के जाने के बाद अगर बात की जाए माझी अरलोसपा की, उपेंद्र कुशवाहा की, तो उन्होंने भी बहुत सारे आरोप लगाकर कोऑर्डिनेशन की हो, मनमानी की हो, अनपढ़, जो एजुकेशन को लेकर जो लालू परिवार पर हमला बोला, उस तमाम आरोपों के साथ वो बाहर जाते हैं। फिलहाल महागठबंधन ऑल इज वेल का दावा तो कर रही है, लेकिन एक के बाद एक जो है उसके दल निकलते जा रहे हैं। एक बात गौर करने वाली है, अब जब देख रहे हैं कि कोई भी जो घटक दल है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, ठीक एक दिन बाद जो है वो उस महागठबंधन से रिश्ता दूर बना लेते हैं। या माझी जी की बात की जाए, आरलोसपा की बात की जाए, एक जब माझी जी बाहर हुए तो उससे 2 दिन पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और ठीक एक दिन बाद जो है 1-2 दिन बाद वो भी महागठबंधन से दूर चले जाते हैं। आरएलएसपी भी ठीक उसी तरह, उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करते हैं, तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग होने के बाद भी वो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल है। उसके बाद एक दिन बाद वो भी टाटा बाय बाय करते हुए एनडीए की तरफ, कहा जाता है कि एनडीए की तरफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया बीएसपी के साथ और वो जो उनकी पार्टी है आरएलएसपी और बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया। बहरहाल अगर बात की जाए, कल जब वीआईपी मुकेश सहनी वहाँ पहुँचते हैं, उनसे भी सवाल किया गया कि क्या महागठबंधन में ऑल इज़ वेल है, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है वो भी कल मिले। उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या जब भी जो घटक दल के नेता है वो मिलने के लिए आते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, तो वो एक दिन बाद कहीं ना कहीं दूरी बना लेते हैं, क्या अभी दूरी बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इन सभी बातों पे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है महागठबंधन में ऑल इज़ वेल है। बहरहाल जो कल मदन मोहन झा पटना आए हैं और उन्होंने सीटों को लेकर भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, कहा कि जो कुछ भी बातें होगी हम पारदर्शिता के साथ रखेंगे। बेशक मीडिया में जो खबरें चल रही है कि 57 हो 68 सीट जो ऑफर किया जा रहा है आरडी की तरफ से, इन तमाम खबरों के बावजूद अगर हम बता दें कि आज जो है कहा जा रहा है कि आज तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी है उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद जो है ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बहरहाल इस वक्त सदाकत आश्रम में है जहां गांधी जयंती मनाया गया और जहां पे कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान, या कहा जाए बिहार कांग्रेस कमेटी के जो बड़े नेताओं में से मदन मोहन झा भी यहाँ मौजूद से, कुछ भी लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे आज गांधी जयंती मनाया गया, अभी यहाँ मौजूद। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग सदाकत आश्रम आए हैं और हर साल आज के दिन इनका 2 तारीख को हम लोग यहाँ पर तिथि मनाते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी मूलतः गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और अभी का जो चल रहा है आज के परिवेश में, 2 विचारधारा के लोग अभी बाजार में हैं। एक तो गांधी विचारधारा के जो हम लोग कांग्रेस से पुराने हैं और एक गोडसे जी के विचारधारा के जो लोग जो देख रहे हैं, जिसका हाल ही में कल क्या हश्र हुआ सब आपने देखे, वो विचारधारा देश पर कैसे राज कर रहा है सब सामने से देख रहे हैं। तो गांधी जी के विचारधारा पर चल के हम लोग चाहते हैं कि
हम लोग बिहार प्रदेश को भी और देश को भी आगे बढ़ाएं और आने वाले तमाम जनरेशन को इनके विचारधारा के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से सीटों के गणित को लेकर जो बातें आ रही है, क्या लेट हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है कि नहीं? देखिए, क्या है कि वैसे कार्यकर्ता या वैसे जो भी जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, आना जाना है, क्षेत्रों से लगाव है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए कि वो आश्वस्त हैं कि हमको टिकट मिलेगा जो अच्छा काम किए होंगे। तो बाकी चूँकि महागठबंधन जोर तोर की लड़ाई है, कन्फर्म नहीं है सीट, तो वहाँ थोड़ी समस्या हो रही है। बिल्कुल समस्या हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, शशि रंजन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज गांधी जयंती है, इस पर तमाम जो कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, आप भी रहे, क्या चाहेंगे? आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी गांधी जी के विचारों को समाज में ले जाने का काम करती रही है और गोडसे के मानने वाले लोगों का विचारों से भी आप अवगत हो रहे होंगे। कल जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमारे देश के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, वो कहीं से हमारे देश का संस्कार नहीं है। ये गोडसे के मानने वाले लोग का झलक आपने देखा है प्रशासन के माध्यम से। क्या लगता है, अगर बिहार में चुनाव है, एक जो नॉमिनेशन का डेट कल एक निकल गया, सीटों का गणित अभी तक तय नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस लेट कर, आरजेडी आरोप लगा रही कांग्रेस में कहीं ना कहीं? नहीं, आरजेडी का बिल्कुल गलत अपना बात रखने का तरीका उनका गलत है और हमारे शीर्ष आला कमान और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ के इस पर निर्णय ले रहे हैं। बातचीत करने वाले भी हैं? बातचीत भी करने वाले हैं, बातचीत भी हो चुकी है, हम लोग अपने निर्णय को आपके सामने जल्द रखेंगे। कहा जा रहा है कि सीटों का ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को, सीटों का ऑफर करने का क्या बात है? आरजेडी को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को वो सीट नहीं दे रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग यहाँ आपसे सीट लेने वाले लोग नहीं हैं। हम अगर हम लोग गठबंधन में हैं तो हम सीट बांटने की बात करेंगे। आप मुझे सीट देने वाले कौन होते हैं? कांग्रेस को सीट बांटने की बात होनी चाहिए। अगर महागठबंधन की बात हो रही है तो कांग्रेस और तमाम महागठबंधन में लोग में आपसी बंटवारा की बात होना चाहिए, न हम सीट देने वाले हैं न आप सीट देने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बातें ऑफर की आ रही है, उस पर साफ रुख है कि सीट ऑफर करने वाले वो कौन है। अगर महागठबंधन है, गठबंधन है, तो आपसी बैठकर जो तालमेल बैठाकर हम आपसी जो जिस भी बिंदु पर आपसी सहमति के साथ बंटवारे कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके से जो आज आलाकमान मिलते हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, कितने पार्टी पे जो कांग्रेस पार्टी है वो मानती है, या महागठबंधन के जो बड़े दल आरजेडी कहा जाए कितने सीटों पे जो सभी को मनाती है। चूँकि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी पर भी मसला अटका हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले वो भी तेजस्वी यादव से मुलाकात किए हैं और इतिहास रहा है फिलहाल पिछले दो महीने का कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से जो घटक दल मिलते हैं, एक दिन बाद वो बाहर के रुख क्यों कहे तो अपना जो पत्ता है वो साफ कर लेते हैं। कांग्रेस क्या पूछ रहे थे, क्या स्थिति है गठबंधन को लेकर के, कितनी देरी होगी और कितना समय? आज महात्मा गांधी जी की जयंती है। चंपारण से बापू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की जंग खेली और उसके उसी चंपारण के आज़ादी की लड़ाई के बाद महात्मा का बिरुद उनको मिला। उस जमीन पे हमने आज जहाँ की रेवेन्यू की पर्ची बापू के नाम से कटती, वहाँ पे बापू की मूर्ति कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। आज इसका अनावरण सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। यहाँ हमारे साथ आज पिछड़े, अति पिछड़े, OBC और दूर और लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका ज्वाइनिंग भी होगा। वर्चुअल रैली दोनों जगह की करके अराउंड 1:15 पे सोनिया गांधी जी की हमारे दोनों फंक्शन को एड्रेस करेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, आज अभी कोई नया डेवलपमेंट है नहीं कि जो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। क्या नहीं, बात नहीं बनी, भी कांग्रेस से आज़ाद होना चाह रही है। मैं आपको कहता हूं कि आज बताने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं, जब होगा आपको बताऊंगा। क्या नहीं लगा आरजेडी भी कांग्रेस से आज़ाद होना चाह रही है? अब वो उनको पूछ सकते हैं आप। हम तो चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज साथ रह के, बिहार की जनता एक बदलाव चाहती है, बीजेपी JDU से तंग आ गई है। हमारे सबके कंधों पे कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है और मैं मानता हूँ कि मैच्योरली सभी पार्टी मिलके कुछ अच्छा नतीजा निकाले। बट द क्वेश्चन रिमेंस, आर यू इन अ पोजीशन टू ऑफर एन अल्टरनेटिव? फॉर वांट ऑफ एन अल्टरनेटिव डेफिनेटली द पीपल विल अगेन ट्राई टू लीन टू व्हाट दे हैव बीन इन द लास्ट 15 इयर्स।
I told you at present I don't want to say anything. If at the appropriate moment, whatever I want to say, I will tell you. Yesterday Mamla, you had a position. You had a position regarding the RJD. It was a kind of suggestion to the RJD. Has there been any feedback from the side of the RJD after you made that statement? You cannot interrogate like a police. I told you at present I don't want to say. Mamla kaha phasa hua hai? Mamla ki seat ko phasa. Politics mein dekho NDA mein bhi kaha theek ho raha hai. Ho gaya kaun si seat kaun ladenge? Teen hi party hai. तो ये चाणक्य जी की भूमि है, बिहार की भूमि है, यहाँ दिमागी तेज लोग हैं, सबको चुनाव लड़ना है, सबको कुछ न कुछ अपना वजूद दिखाना है, तो वक्त लगता है। क्या मतलब निजी स्वार्थ भारी पड़ रहा है पार्टी के स्वार्थ पार्टी के हित से? चार लोग आप सवाल पूछ रहे हो और निजी स्वार्थ भारी पड़ रहा है क्या पार्टियों पर? निजी स्वार्थ देखिए, कभी कभी सबका अपना अपना मानना कहना होता है, इसका कोई रूप देना प्रारूप देना ठीक नहीं होगा। सबकी अपनी सोच होती है। आखिर में हमें बीजेपी से लड़ना है, जो इस देश में एक फासिस्ट ताकत है। आपने देखा यूपी में एक दलित की बेटी जिसको रेप करके मर्डर किया जाता है और उसके परिवार को उसका आखिरी मुंह दिखने नहीं दिया जाता। पुलिस उसको जबरन कैद करके रूम में फिट करके सीधे स्मशान गृह में, रात में, हमारे मजहब में कहा था कि रात में हम अग्निदान नहीं देते। क्या एक दलित परिवार जिसकी बेटी को बलात्कार करके मारा गया, उस दलित की बेटी का मुंह आखिरी बार देखने का भी परिवार को अधिकार नहीं? क्या उस परिवार की भावना के रात को नहीं अग्निदान देना है, फिर भी अग्निदान दे देना? ये भाजपा का फासिज्म है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द आरजेडी फॉर हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट? सर, आई टोल्ड यू एट अप्रोप्रिएट टाइम आई विल रिएक्ट। आरजेडी बीजेपी से लड़ रहे हैं, आप जदयू से भी लड़ना है कि नहीं? तेजस्वी यादव से आपकी बात हुई, जदयू से लड़ना है कि नहीं? बिल्कुल लड़ना है। हमारा जो भी सेक्युलर अलायंस होगा, उस सेक्युलर अलायंस फासिस्ट ताकत और उसके साथ जुड़े सभी लोगों से लड़ना। नया अलायंस कुछ हो सकता है क्या बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है? संभावनाओं पे मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई भी घटना बनती है, जब मुझे आपको कुछ कहना होगा, आपको निमंत्रित करके नया डेवलपमेंट कुछ होगा कहेंगे। कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? बस वो भी उसी वक्त ऑफर दिया। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।